हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेटर सी किस तरह से लिखते हैं निटिंग मशीन में वो बताऊंगी। सबसे पहले हम इस तरह से प्लेन बना लेंगे। कैरिज की जो हुक है उसको हम पीछे कर लेते हैं साइड वाली, और जो ऊपर वाली नोब है उसको भी हम पीछे कर लेंगे। और नंबर मैंने 8 पे सेट किया है। और फिर हम सेंटर में से 3 नीडल जो है वो आगे कर लेंगे और इसको रेड कलर से बना लेंगे। 1 2 3 3 नीडल बनाने के बाद जो 4 और 5 नीडल है दोनों उस तरफ एक एक, उसमें धागे को फंसा लेंगे। और जो रेड कलर से बनाई है उसको हम आगे करेंगे, फिर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम दोनों साइड से एक एक नीडल और इंक्रीज कर देंगे, 5 नीडल हो जाएगी। पर उससे पहले वाले नीडल में हम धागे को फंसा लेंगे इस तरह से, और आगे की जो 5 नीडल है 1 2 3 4 5 5 नीडल को हमने बना लिया, और धागे को फिर से हम आगे फंसा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एक सिलाई लगाने के बाद फिर से हम धागे को आगे वाली नीडल में फंसाएंगे और एक एक नीडल दोनों साइड से और इंक्रीज कर लेंगे। पहले ये 5 थी, अब 7 हो गई है। 1 2 नीडल हमने बना ली। अब 3 नीडल जो है उनको हम पीछे कर लेंगे, उनको नहीं बनाएंगे। फिर आगे वाली 2 नीडल को फिर से हम बना लेंगे और धागे को उससे आगे वाली नीडल में फंसा लेंगे। वन सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हम पहले नीडल को फंसाएंगे। अब ये जो 2 नीडल है इनको नहीं बनाएंगे, ये जो आगे वाली 2 नीडल है जिसको भी हम बना रहे हैं इसी को बनाएंगे इस तरह से, और धागे को आगे वाली नीडल में फंसाएंगे। इस मेथड को हम 3 टाइम और रिपीट करेंगे। इस तरह से धागे को फंसाया, ये दोनों नीडल को बनाया, धागे को फिर से आगे फंसाया, और दोनों नीडल को हम आगे करके एक सिलाई लगा लेंगे। 2 टाइम्स हो गया हमारा ये। थ्री और 4 इस तरह से 4 टाइम्स हमने बना लिया। अब बीच में 3 नीडल छोड़ेंगे और उसके बाद वाली 2 नीडल आगे कर लेंगे इस तरह से, और पहले आगे वाली नीडल में धागे को फंसाएंगे। अब ये 2 नीडल जो आगे की है इसको हम बना लेंगे, बीच में 3 नीडल का गैप होगा, फिर ये 2 फिर से बना लेंगे और धागे को आगे वाले नीडल में फंसा लेंगे इस तरह से। एक सिलाई लगाएंगे। अब पहले ये जो 2 नीडल है इसमें से लास्ट वाली 1 को छोड़ देंगे, आगे वाले बनाएंगे इस तरह से। अब आगे 3 नीडल इनको भी बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 और इस नीडल को भी हम पीछे रख लेंगे। 5 नीडल हो गई है हमारी ये, और इसमें हम धागे को फंसा लेंगे। एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब धागे को फिर से फंसाएंगे यहाँ पे, आप दोनों साइड से एक एक नीडल पीछे कर लेंगे, और बीच में जो 3 नीडल बनेंगे उसको हम बना लेते हैं। और ये ध्यान रखना, जो ऊपर से धागा जा रहा होता है जैसे येलो कलर का यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम ये नीडल में नहीं आना चाहिए। 1 2 3 और इसको हम साइड में इस तरह से नीडल में फंसा के एक सिलाई लगाएंगे। अब ये वाली नीडल भी पीछे कर लेंगे और प्लेन बना लेंगे थोड़ा सा। इस तरह से ये लेटर सी हमारा बन के तैयार हो गया है। निकाल के दिखा देती हूँ इस तरह से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।